स्टील की सिंक को या स्टील की किसी भी चीज को कौन कौन सी चीजों से क्लीन करना चाहिए जिससे कि कभी जीवन में खराब ही ना हो, और कौन कौन सी चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। अगर वो गलती से यूज कर लिया तो वो खराब हो जाएगी, लेकिन मैं जो तरीके बताता हूँ फिर से आप चमका सकते हैं अगर गलती से वो चीज़ें यूज कर लिया है। तो वीडियो में कुछ जानकारी मैं देने वाला हूँ, ये छोटा सा क्लिप होने वाला है, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। स्टील को हमेशा साफ सुथरा रखने के लिए मेरे पास में कमेंट आया था कि पीताम्बरी क्या है, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको क्लीनिंग से रिलेटेड आपको वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। तो देखिए ये पीताम्बरी पाउडर है, ठीक है, ये एक स्टील क्लीनर है, और साथ ही साथ जैसे तांबा होता है, पीतल होता है, ठीक है, पूजा के बर्तन होते हैं, खाने पीने के बर्तन भी होते हैं, ठीक है, गिलास भी होती है, कटोरी भी होती है पीतल के, ठीक है। तो पीतल, तांबे के और स्टील के किसी भी बर्तन पर गंदगी लग जाती है, चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है, काले पड़ने लगते हैं, तो आप उनको फिर से चमका सकते हैं। पीताम्बरी पाउडर है, मात्र आपको एक चम्मच ले लेना है, ठीक है। अगर स्टील की सिंक को कर रहे हैं ना तो एक चम्मच पीताम्बरी पाउडर काफ़ी है, ठीक है। और अगर आप पूजा के बर्तन कर रहे हैं फिर भी आप एक चम्मच में आप कई सारे सिस्टम को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीताम्बरी पाउडर है, ये आपको 30 रुपये का, ये मैंने जो लिया है 30 रुपये का है, ठीक है, ये पीताम्बरी पाउडर, और इससे भी बड़े बड़े पैकेट में आता है, ठीक है। आप ले सकते हैं कास्टिक सोडा, चलिए कास्टिक सोडा को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कास्टिक सोडा है, मैंने थोड़ा सा देखिए चम्मच पे रखा हुआ है, ये कास्टिक सोडा है जो कि ये जिससे साबुत नमक आता है ना उस तरीका से आता है, ये भी आपको किराना स्टोर पर मिल जाएगा। ये भी दोस्तों स्टील को चमकाने में बहुत ही माहिर है, बहुत लोग की चिमनी जो है, चिमनी की जो पार्ट है ना, धुएं के कारण ख़राब हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे किसी परात ले लेंगे, उसमें आप चिमनी के जितने भी पार्ट हैं निकाल लीजिए खोल करके, और आप रख दीजिए गर्म पानी करिए, और उसमें लगभग 2-4 चम्मच कास्टिक सोडा पहले डाल दीजिए, उसके बाद आप गर्म पानी डाल दीजिए, ठीक है, जितनी भी कालापन है धुएं के प्रदूषण का वो सभी रिमूव हो जाएगा दोस्तों। कास्टिक सोडा है, ये भी स्टील को क्लीन करता है, ठीक है। आप इनो भी ले सकते हैं दोस्तों, इनो, अगर आप स्टील को क्लीन कर रहे हैं तो आप इनो से भी चमका सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया है इनो से। बेकिंग सोडा भी दोस्तों आप ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, आप एक चम्मच में कई सारे दोस्तों सिस्टम को क्लीन कर सकते हैं, स्टील के फिर से चमका देता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लेमन है, ठीक है, और एक एजी क्लीनर के बारे में मैंने बताया था वीडियो में, वो भी आप ले सकते हैं, किराना स्टोर पर 10 रुपये का 5 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी कुछ चमकाने वाली चीज़ें जो स्टील को चमकाती हैं, कुछ ख़राब करने वाली चीज़ें होती हैं जैसे हार्पिक, आपको गलती से भी कभी नहीं लेना है, गलती से आप यूज भी कर लेते हैं तो फिर नहीं करना है, जो चीज़ें मैंने बताई है उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हफ्ते में 2 बार फिर से चमक आ जाएगी। तेजाब को गलती से भी यूज ना करें, अगर एक बार आपने डाल दिया स्टील पर तो बहुत खतरनाक दाग लगा देता है, ठीक है, तो तेजाब भी यूज नहीं करना है। बहुत लोग कपड़े धोने वाले साबुन से यूज करने लगते हैं, वो भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। डिटर्जेंट पाउडर को भी नहीं लेना है, आप धोने के बाद में ना सफ़ेद सफ़ेद देखने लगता है, स्टील को चमक को ख़त्म करता है डिटर्जेंट पाउडर, तो ये चीज़ें नहीं लेना है। तो ये कुछ ख़राब करने वाली चीज़ें थी और कुछ सही साफ चमकाने वाली चीज़ों को मैं बारे में मैंने बताया है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, आगे भी मैं ऐसी यूजफुल टिप्स लाता रहता हूँ। थैंक यू।